बिरसा मुंडा कारा के जेलर प्रमोद कुमार आज ईडी दफ्तर पहुंचते हैं। दरअसल ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए समन दिया था 2 जनवरी का और 11 बजे ईडी दफ्तर हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन समय से पहले ही प्रमोद कुमार अपनी लाल कार से यहाँ ईडी दफ्तर पहुंचते हैं और उनके हाथ में एक फाइल रहती है। यकीनन उस फाइल में जो दस्तावेज ईडी के अधिकारियों के द्वारा मंगाए गए हैं वो दस्तावेज होंगे, क्योंकि बिरसा मुंडा कारागार से प्रभात खबर के प्रधान संपादक को धमकी भरा फोन करने की बात यहाँ पर सामने आती है। प्रभात खबर के प्रधान संपादक और स्थानीय संपादक को बिरसा मुंडा जेल से कई फोन आते हैं योगेंद्र तिवारी के नाम पर। जी हम बात कर रहे हैं शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की, जो कि ईडी की जाँच में आए थे और कार्रवाई के बाद अब वो बिरसा मुंडा जेल में है। ऐसे में योगेंद्र तिवारी के नाम से प्रधान संपादक, प्रभात खबर के प्रधान संपादक को धमकी भरा फोन आता है और उनसे कहा जाता है कि जो खबरें छप रही हैं प्रभात खबर में वो खबरें ना छपे तो बेहतर होगी, जिसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत प्रभात खबर की पूरी टीम के द्वारा पुलिस से की जाती है और इस मामले की छानबीन की जाती है। राजनीति भी गर्म हो जाती है काफी उस पर और हर कोई सवाल उठा रहा है कि आखिरकार कैसे बिरसा मुंडा जेल में फोन पहुंचता है। और इस मामले में जब बिरसा मुंडा जेल में छापा भी पड़ा तो योगेंद्र तिवारी के कमरे से एक आईफोन और कई सुविधा की वस्तुएं बरामद की गई, जिसे हटा दिया गया है। ऐसे में आज की ये पूछताछ तमाम उन मुद्दों पर है कि आखिरकार कैसे जेल के अंदर योगेंद्र तिवारी के पास फोन बरामद होता है। सीसीटीवी फुटेज की भी डिमांड की गई है ईडी के अधिकारियों के द्वारा, जिससे कि यह तय हो पाएगा कि आखिरकार किन अधिकारियों की शह पाकर यहाँ पर जेल के अंदर फोन और सुविधा की चीजें यहाँ पर कैदियों के पास पहुंच रही है और उसका इस्तेमाल वो कैसे कर रहे हैं, उन्हें रोक टोक करने वाला कोई है कि नहीं। तो तमाम इन बिंदुओं पर आज पूछताछ होगी जेलर से। जेलर पहुंच चुके हैं, ईडी अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं और इस पूछताछ के बाद ही ये बात सामने आ पाएगी, खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार जेल के अंदर चल क्या रहा है, किस तरह से जेल के अंदर धमकी भरे फोन किए जा रहे हैं और पत्रकारों को धमकाया जा रहा है। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।